रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शिक्षा विभाग के दबंग लेखापाल को निलंबित किया है। रीवा जिले में एक दिन पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक को हाथ बांधकर उसे अर्धनग्न कर बिरहमी से पीटा जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि आरोपी हनुमाना थाना क्षेत्र के पिपराही गाँव की सरपंच का पति है और शिक्षा विभाग का सरकारी लेखापाल है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की शिकायत पर आरोपी लेखापाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही वीडियो संज्ञान में आने के बाद रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शिक्षा विभाग को आरोपी लेखापाल पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज उसे निलंबित कर दिया गया है। यह पूरा मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही गाँव का है, जहाँ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सरपंच का पति शिक्षा विभाग का लेखापाल गुप्ता परिवार के एक युवक को घर के अंदर अंगनाई में बंधक बनाया, मुंह से जूता ठूसा और दोनों हाथ बांधकर नग्न करते हुए हाथ मुक्के और डंडों से बेदम पिटाई किया। मारपीट करने वाले सरहंग सरपंच पति जवाहर सिंह गोड़ की क्षेत्र में इतनी दहशत है कि ताली वाली सजा पाने के बाद भी युवक की किसी को घटना की जानकारी नहीं दिया। मारपीट की एक घटना 2 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसका एक दिन पूर्व पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सरपंच पति जवाहर सिंह गोड़ सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सरपंच पति जवाहर सिंह गोड़ को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने लेखापाल जवाहर सिंह को निलंबित किया है। बताया जाता है कि सरपंच पति आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ इसी तरह मारपीट कर चुका है। इसका भाई 302 के आरोप में जेल में भी बंद था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से उसके हौसले इतने बुलंद है कि पिपराही क्षेत्र में उसकी तूती बोलती है। जब कहे दिन भैया कुछ नहीं बोल ही रहा है, जब कुछ बोलता ही नहीं लागे ना। अब बताइए